ये देखो पूड़ी चटनी, ये आ गया पानी। देखिए ये पानी कहाँ उतरा थे बाहर ले। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इधर पहाड़ों का सीन देख सकते हैं आप, किस तरीके से कोहरा उठ रहा है। और इधर एक दो खेतों में बैलों की मदद से हल जुताई चल रही है ना। तो यही सब सीन है अपने गांव में। इधर का नेचर देख सकते हैं, इधर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं इस पेड़ में जो कि अपना मस्त चहचहा रही हैं। और दर्शकों कल रात को बहुत ज़ोर की बारिश हुई है 12 से 2 बजे तक, जिससे कि खेतों में बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुके हैं। कल खेत तो पूरा सूखे हुए थे लेकिन आज रात में पानी भर गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हुई है। और अपने गांव में तो खास करके ठीक ठाक तरीके से ही बारिश हो रही है, सभी किसान खुश हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं पड़ रही है। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बारिश हो जाती है, कमी पूरा हो जाता है, तो सही है, सब चीज़ बढ़िया हो रही हैं। उम्मीद करते हैं और 2-3 हफ्ते भी बढ़िया चले जाएं, फिर धान बुआई धान रोपाई होने के बाद बारिश ठीक चलता रहे तो 2-3 महीने में अच्छे से धान की फसल हो जाएगी। अभी हम बगीचे जा रहे हैं नहाकर, फ्रेश हो जाएंगे फिर हम काम करने के लिए जाएंगे। इधर पहाड़ साइड जो खेत है ना उधर चलेंगे आज, उधर का सीन दिखाएंगे आप लोग को, है ना। चलो दर्शकों अभी हम अपने बगीचे में हैं और यहाँ इस पपीते के पेड़ से पके हुए पपीते तोड़ने वाले हैं हम। तो ये देखिए प्यारा सा पका हुआ पपीता, एक और है लेकिन उसे आज नहीं तोड़ेंगे, इसे यूं ही पेड़ पे लटके रहने देते हैं। लेकिन ये वाला ज़्यादा पका है, इसे भी तोड़ लेना पड़ेगा। चलो 2 पपीते से काम चलाएंगे आज हम, सही है। इस बोर के पानी से पहले धो लेते हैं। देखिए प्यारा प्यारा ये पपीता, ताजे ताजे हैं दोनों पपीते, तो अभी इसे घर ले जाकर काट पीट के खाएंगे। ये चेंज भाजी है दर्शकों, देखिए इधर का सीन देखिए खेतों का, है ना, कई शानदार। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नहाकर अपने घर की ओर जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चिखला में दिन भर काम करता हूँ, है ना, खेतों में, फिर भी नहाकर जा रहा हूँ। तो ऐसा है दर्शकों कि सुबह नहाने से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, इसलिए नहाकर मैं काम करता हूँ। शाम को एक बार और नहा लेता हूँ, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर को नहीं नहाता, सुबह एक बार शाम को एक बार, दिन में 2 बार नहाना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। चलो इधर चल रहा है हल जोताई बैलों की मदद से और इस साइड भी चल रहा है। देखिए काफ़ी बढ़िया माहौल है। दर्शक 9:54 और हम पहाड़ तरफ जा रहे हैं खेतों के पास, ठीक है। तो यहाँ ये अपने को नाला पार करना पड़ेगा, चलिए इसे पार करते हैं फिर खेतों के पास चलते हैं। हाओ तो भाई साहब हम जा रहे हैं खेत के पास, देख रहे हैं इधर का सीन। और दर्शकों अभी हम खेत के पास पहुंच चुके हैं,
ठीक है, तो काम करने के लिए खेत के पास जाते हैं। फिलहाल इधर का व्यू देखिए, है ना, पूरा पहाड़ ही पहाड़। और बहुत सारे लोग शायद तक पहुंच चुके हैं खेत के पास, जाकर ही पता चलेगा। यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे है अपना खेत। और पूरा सीन देखिए, मैं आप लोग को ऐसे करके दिखाता हूँ। इधर देखिए हल जुताई हो चुका है, इनमें धान की खेती की जाएगी। और इधर है अपना खेत 300 मीटर की दूरी पे। पिताजी पानी लेकर जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पे पिछले टाइम एक छोटा सा नाली बनाए थे पाइप लगा कर इसको, है ना, पानी जाने के लिए। लेकिन देखिए एक नाली बनाने के चक्कर में क्या हालत हो चुका है यहाँ का। तो यही चीज़ का डर था, मेरे पुराने वीडियोस में दिख जाएगा कि किस तरीके से यहाँ नाली बनाए थे। और अभी देखिए पूरा फट चुका है ये मेड़, तो इसे फिर से बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा धंसते जाएगा। अभी अच्छा खासा धूप कर रहा है। और एक चीज़ दर्शकों, अगर अपने को प्यास लगती है ना, इधर पानी की कमी है, तो इधर इस कुएं से हम पानी निकाल कर पी सकते हैं। देखिए कितना पानी है इस कुएं में, है ना, तो ऐसे ही बाल्टी से हम निकाल सकते हैं पानी। तो यही फ़ायदा है इधर पहाड़ तरफ के खेतों में काम करने का, पानी की कमी नहीं पड़ती अपने को। चाहे हर चीज़ की कमी पड़ जाए यहाँ पे, लेकिन पानी की कमी नहीं पड़ने वाली। चलो इन मेड़ों से होते हुए खेत के पास पहुँचते हैं। और दर्शकों आखिरकार हम अपने पहाड़ तरफ के खेतों के पास आ चुके हैं। इधर एक दो खेत है ना, छोटा छोटा, हालांकि एक ही खेत है, लेकिन पानी की वजह से अपने को यहाँ पर मेड़ बनाना पड़ गया है। चलिए दर्शकों हम भी थोड़ा काम करते हैं, है ना, यहाँ चीजें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ये दर्शकों इधर किनारे किनारे जो पेड़ है ना, साल पेड़, उसकी डालियों को छटिंग किया जा रहा है। सही है। और देखिए खेत में किस तरीके से पानी भरे हुए हैं, तो पानी को खाली किया जा रहा है इधर किनारे से। पानी कम होगा फिर इसमें चिखला किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पत्थर लगा दिए थे, पानी बांधे हुए थे, अभी पत्थर निकाल दिए हैं, पानी भाग रहा है। सही है, लगभग 20-25 मिनट में पानी खाली हो जाएगा, है ना, 50-60% तो हो ही जाएगा। ये अपना लड़िया ये डंक मारता है बड़ी जोर से, इससे बच के रहना पड़ता है अपने को। 1 hour later जे बात, ये देखो पूड़ी चटनी। रमेश सर हेलो खोल, इसमें निकालेंगे हम पूड़ी सब्जी, पूड़ी चटनी है। और चम्मच नहीं है, चम्मच खेलूँ छुट्टी पाना चाहिए। चटनी चटनी है, धनिया लाल दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें 5 ही ना। चलो चटनी डालो सर, 3-4-5 पीस बच गए। खा ले करके केचप हो जाएगा। चलो
सही है, बढ़िया। और आमो मजा आते देखना थी क्या है मजा आते बारह बज के 36 मिनट और देखिए खेत में किस तरीके से पानी सूख चुके हैं। लेकिन अभी तक ट्रैक्टर लेकर नहीं आए हैं मेरे पिताजी, ट्रैक्टर आएगा दिखला किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए किनारे किनारे छिलाई वाला काम कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो अभी बगीचे की तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर आएगा तो फिर बाद में धान बुनाई करने के लिए आएंगे। ठीक है चलो। ये पानी कहाँ ले उतरा थे, पहाड़ ले, पहाड़ ले तो पहाड़ ले कहाँ कहाँ ले आते, ऊपर ऊपर के पानी हैं कि स्रोत है पानी की होती है ऊपर में हैं। चलो आगे वापस जाना पड़ेगा तो जा रहा है ट्रैक्टर और ये सब जाएंगे वापस खेत। तो अभी इस जगह पे हम हाथ पैर धोने वाले हैं। ठीक है और दर्शकों अभी हाथ पैर धो लिए, फ्रेश लग रहा है, घर चलते हैं खाना लेकर आते हैं, अभी काम कर रहे हैं उन लोग के लिए। ठीक है दर्शकों आज इधर का जो खेत है उनमें धान बुवाई कंप्लीट कर देंगे। ट्रैक्टर आ गया है, धान भी लेकर भी आ गए हैं और सारे काम करने वाले वापस जा रहे हैं। सही है। दर्शकों अभी हम खेत के पास पहुंच चुके हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं दर्शकों, खाना पीना हो चुका है और इधर पूरा देखिए ट्रैक्टर अपना काम कंप्लीट कर चुका है, पूरा खेत चिकला ही चिकला हो चुका है। अब इसे समतलीकरण करना पड़ेगा। इधर है ट्रैक्टर, दर्शकों अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी ऊपर से उतरते हुए पानी के लिए नाली बनाया जा रहा है ना, यहाँ से नाली लेकर जाया जाएगा लास्ट तक, पानी बाहर भेजा जाएगा है ना, क्योंकि अभी इस खेत में चिखला करना है, किनारे किनारे की मिट्टी को बीच में फेंकना है और इस कोपर की मदद से समतलीकरण करना है, फिर धान बुवाई करना है। ठीक है तो पानी के लिए नाली बना रहे हैं। चलिए सही है।
हम भी किनारे किनारे की मिट्टी साइड करने चाहते हैं। दर्शकों अभी 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे समतलीकरण किया जा रहा है ना, और इस खेत में नाली बना दिया गया है। एक नाली यहाँ पे है और एक नाली आगे में, दो नाली बना है। नाली से पानी जा रहा है इधर नीचे साइड इन खेतों में। हेलो गाइस, कैसे हो? मस्त हो? मैं बूता करने आई हूँ का, देख मैं बूता करने आई हूँ का। तुम्हारा बुआ जो तुम्हारा पप्पा और दर्शकों अभी हम इस कुएं के पास पानी भरने के लिए आए हुए हैं इस टिफिन में। तो अपने को यहाँ से सब पानी भरना है। ये आ गया पानी, देखिए। और दर्शकों यहाँ पे धान बुआई चल रहा है अभी, ये देखिए। शाम के 5:40 हो रहे हैं। दर्शकों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी धान की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा बचा है उसे भी बुनाई कर दे रहे हैं। हालांकि खेतों में कंप्लीट हो चुका है, लगभग 1 किलो के आसपास बच गया था है ना धान का बीज, तो उसे फिर से बुनाई कर रहे हैं। ये देखिए पानी यहाँ रुकना नहीं चाहिए है ना, नाली से ऐसे पानी जाएगा पूरा नीचे खेतों में, फिर नीचे खेतों से इधर साइड वाले खेतों में है ना। पानी सूखा रखना पड़ता है, नहीं तो फिर धान के बीज पौधे में नहीं बदलेंगे, वहीं ख़त्म हो जाएंगे, गल जाएंगे। ठीक है, तो दर्शकों कुछ इस तरीके से रहा आज का हमारा काम। और आज काफ़ी थकावट लग रहा है, फिर भी मज़ा आया है ना काम करने में। और 2-3 लेबर लोग घर चले गए हैं, 2-3 बचे हुए हैं, तो उनको संग में लेकर मैं जाऊंगा घर है ना, घर नहीं बगीचे में नहाएंगे, फिर घर को निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए दर्शकों आज ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता करते हैं। शू टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।